वेलकम फ्रेंड्स, आज से हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमारा रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर रहेगा। टॉप 20 क्वेश्चंस हम इस प्रैक्टिस सेट में कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर लेक्चर वीडियो भी अपलोड की हुई है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है रिवर और उनके जो ओरिजिन प्लेस है उससे। जैसे कि चिनाब रिवर क्या बारालाचा ग्लेशियर से या बारालाचा पास से ओरिजिनेट हुआ है, क्या ये राइट ऑप्शन है? झेलम रिवर वेरिनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट हुआ है। तवी रिवर कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलता है। रवि रिवर जो है वो इंदस रिवर रवि रिवर जो है रोहतांग पास से निकलता है। इंदस रिवर मनसारोवर लेक से निकलता है। और कृष्ण गंगा जिसको नीलम रिवर भी कहते हैं, कृष्णसार लेक से ओरिजिनेट होता है। क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से आंसर करें। क्या ये सभी करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर है ऑल आर करेक्ट। ये मैंने खुद बनाया है आपको याद करवाने के लिए क्वेश्चन, कि ये ओरिजिन आपको याद रखने हैं। ओके, तो जल्दी से ये ओरिजिन याद रख लें, आगे चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। जंस्कर नाला इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जंस्कर नाला कौन से रिवर की ट्राइब्यूटरी है? जल्दी से आंसर करें। तो जंस्कर नाला इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। ओके, द नेक्स्ट इज विच लेक इज लोकेटेड नियर हिल स्टेशन पत्नी टॉप। ये मैंने लेक्स की वीडियो में बताया था कि पत्नी टॉप के एरिया में कौन सी लेक पाई जाती है। पत्नी टॉप के एरिया में कौन सी लेक जल्दी से बताएं। देखो जी, ये तो अचार तो हो नहीं सकती, कश्मीर में है। सुरिनसार, टर्सर और सनासार में बताएं जल्दी से कौन सी लेक पत्नी टॉप हिल पे है। तो इसका राइट आंसर है सनासर लेक। सनासर लेक जो है इसका राइट आंसर है, पत्नी टॉप एरिया में पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें जल्दी से। विच रिवर इज़ नोन एज वितास्ता। वितास्ता रिवर कौन से रिवर को कहा जाता है संस्कृत में? वितास्ता, तो ये कौन से रिवर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है झेलम। झेलम को वितास्ता भी कहा जाता है, हैदपस भी, और एक नाम और भी है आपको, मैंने 3 नाम बताए थे इसके। फ्रॉम वेयर द रिवर तवी ओरिजिनेट्स। तवी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? अभी मैं बता भी चुका हूँ आपके पहले क्वेश्चन के अंदर। तो ये ओरिजिनेट होता है कालीकुंडी ग्लेशियर। ठीक है, कालीकुंडी, तो वहाँ पर जगह प्लेस का नाम था, यहाँ पर सीधा ग्लेशियर का नाम है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये सबको आता ही है क्वेश्चन, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की वुलर लेक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें जनाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ कश्मीर इज़ द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द श्रीनगर सिटी। कौन सी लेक वाटर सप्लाई का सोर्स है श्रीनगर सिटी में? तो इसका राइट आंसर, गलती से आप डल लेक नहीं करना है, इसका राइट आंसर है हारवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर बताएं। ये भी सबको आना चाहिए, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर इज़ मानसबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द मैन वाटरवे ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर इज़। कश्मीर वैली का जो मैन वाटरवे है वो कौन सा रिवर है? तो ये आई थिंक सबको ये भी मालूम होना चाहिए, तो ये है आपका झेलम रिवर। झेलम, ओके, रिवर झेलम इज़ नेविगेबल फ्रॉम डैश टू डैश। तो झेलम की जो एक्सप्लेनेशन जो पिछली वीडियो में हमने बताई थी, उसमें आपको बताया गया था कि झेलम जो है वो सब जब वेरिनाग से निकलता है एज ए नाला, एज ए कनाल और निकलता है नाला, देन जब ये खानाबल से क्रॉस करता है तो इट विल एक्चुअली टेक द शेप ऑफ रिवर्स। ठीक है, क्योंकि ट्राइब्यूटरीज वहाँ से जुड़ना शुरू हो जाती हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? ये इसका राइट आंसर है सी, खानाबल से ट्राइब्यूटरी जब इससे मिलती हैं देन ये कहाँ पर वुलर लेक में एंड होता है। आपको पता है झेलम रिवर कहाँ पर गिरता है? वुलर लेक में। ठीक है, उसके बाद बात करें सोर्स ऑफ रिवर झेलम इज़। झेलम रिवर का सोर्स क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है?
ग्लेशियर से होता है, किसी स्प्रिंग से या मॉनसून के पानी से, बारिश से या लेक से निकलता है, तो इसको बता दूँ स्प्रिंग, कौन सी स्प्रिंग? वेरिनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द चंद्रा बग्गा, सबको पता होगा चंद्रा बग्गा रिवर क्या किसको कहते हैं। चंद्रा बग्गा रिवर आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द चंबा इन हिमाचल प्रदेश इंटर्स द जम्मू एंड कश्मीर एट, चंद्रा बग्गा हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होता है, चंद्रा और बग्गा जो दो स्ट्रीम्स हैं, फिर ये मिलते हैं चंबा में और मिलने के बाद ये हिमाचल प्रदेश की चंबा में मिलते हैं और जम्मू कश्मीर में फिर इंटर होते हैं, कौन सी जगह से? ये होते हैं आपके पर्डर एरिया से इंटर होते हैं जम्मू कश्मीर में, चिनाब इसका, फिर इसका नाम चाहें तो चिनाब, चिनाब की बात चल रही है, चंद्रा बग्गा चिनाब हो गई। अस्किनी अक्सनी या अस्किनी किसका एंशंट नेम है, कौन से रिवर का, कहीं पर अस्किनी लिखा है और कहीं पर अक्सनी लिखा है, तो ये है आपका आई थिंक रिवर चिनाब का संस्कृत नेम या एंशंट नेम, ठीक है अक्सनी। ओके तो ये आपको मैं याद ही यहाँ पर कहा दूँ, झेलम को व्यत कश्मीरी में कहते हैं, वितास्ता संस्कृत में जो अभी क्वेश्चन में पूछा था, हैदरपस ग्रीक में कहते हैं, ठीक है। इंद्रस को सिंधु कहा जाता है, चिनाब को इसकनी कहा जाता है इसकनी, और रवि को पुरुषनी और ब्यास को विपस, तो ये एंशियंट नेम जो है आपके सामने रखे हैं, इसको एक बार आप रीड आउट कर लें। ओके आगे चलते हैं, सुतलज को सुतदरी, तो ये आपको रीड आउट कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब, तो रिवर चिनाब की ट्राइब्यूटरी कौन सा रिवर नहीं है, आपको बता दूँ रिवर चिनाब की जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी तावी रिवर है, और लार्जेस्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी मरुसुदर रिवर है, ठीक है। तो ये दोनों हैं इसकी ट्राइब्यूटरी, झेलम जो है ये नहीं है ट्राइब्यूटरी, तो ये वुलर लेक की समझ लो आप ट्राइब्यूटरी है, ये वुलर लेक में जाके मिलती है, झेलम में झेलम जो है वो वुलर लेक में मिलती है, चिनाब में नहीं, ठीक है। तो वो झेलम ट्राइब्यूटरी नहीं है चिनाब की। तो क्वेश्चन नंबर 15, विच लेक इज़ लोकेटेड इन रूट टू श्राइन अमरनाथ केव, तो कौन सी लेक श्राइन अमरनाथ केव के इन रूट में आती है उस एरिया में, तो आपको बता दें ये है लेक है शीशनाग लेक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शीशनाग लेक, तो ये आपने याद है शीशनाग लेक अमरनाथ केव। वुलर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है वुलर लेक, वुलर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट मेनली प्रेजेंट है, ये बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, बांडीपुर। ओके क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज़ फ्लोटिंग गार्डन्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर ग्रोन, तो कौन सी लेक के अंदर फ्लोटिंग गार्डन पाया गया जाता है, फ्लोटिंग गार्डन प्रेजेंट है, फ्लोटिंग गार्डन आपको पता होना चाहिए डल लेक के अंदर है, डल लेक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज़ द सोर्स ऑफ लीडर रिवर, लीडर रिवर का सोर्स कौन सा ग्लेशियर, लीडर रिवर पहलगाम जो है ना, पहलगाम सिटी जो है इसी लीडर रिवर की वजह से डेवलप है, तो लीडर रिवर का सोर्स कौन सा है, तो इसका सोर्स है कलाहोई ग्लेशियर, कलाहोई ग्लेशियर, कलाहोई ग्लेशियर, तो ये अपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ नोन एज लेक ऑफ फ्लावर्स, लेक ऑफ फ्लावर्स कौन सी लेक को कहा जाता है, आपको मैं बता दूँ जो लेक्स और रिवर्स पे वीडियो बनी है उसका लिंक प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है जम्मू कश्मीर की जो वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं। अब इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर है डल लेक, लेक ऑफ फ्लावर डल लेक को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो, चेनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, चेनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सबने सुना होगा, कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट है, तो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर तवी, ठीक है। चेनानी जो है वो तवी रिवर पे कंस्ट्रक्ट है, चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिवर्स एंड लेक्स जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस तरह के और वीडियो चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ अब जो अपलोड हुई हैं वो देख सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।